हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत अधिक मात्रा में पेशाब रोकने के क्या क्या नुकसान होते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपने अक्सर लोगों को ये कहते सुना होगा कि यूरिन रोकना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक होता है, इससे कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यूरिन के माध्यम से शरीर के तमाम तरह की अशुद्धियां बाहर निकल जाती है। अगर ये थोड़े वक्त से शरीर में रह जाए तो संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। कुछ लोग यूरिन को कुछ मिनट के लिए तो कुछ लंबे घंटे के लिए रोक लेते हैं। इसके अलावा ये यूरिन की मात्रा, हाइड्रेशन की स्थिति, तरल पदार्थ और ब्लैडर की क्षमता पर निर्भर करता है। यूरिन को 1 से 2 घंटे तक रोकने से कई तरह की समस्याएं हो जाती है। महिलाओं में खास तौर पर ये समस्याएं ज़्यादा हो जाती है। अगर कोई शख्स बहुत देर तक अधिक बार यूरिन रुकता है तो उसे किडनी स्टोन की समस्याएं हो सकती है, या फिर उसे कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत देर तक यूरिन रोकने से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाता है। मूत्रमार्ग में संक्रमण हो जाने की वजह से दर्द और यूरिन के साथ खून आने की समस्या भी पैदा हो जाती है। बहुत वक्त तक यूरिन रोकने की वजह से ब्लैडर में सूजन आने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हर समय दर्द बना रहता है और डिस्चार्ज करने के दौरान तेज दर्द का अनुभव होता है। अगर ये समस्या बहुत अधिक बढ़ जाए तो किडनी पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। कई बार तो किडनी फेल होने का भी खतरा बना रहता है। तो देखा फ्रेंड्स आपने, अगर आप बहुत ही देर तक पेशाब रोकोगे तो आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।